नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं श्याम किशोर चौबे। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव जी से बातचीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी झारखंड में चुनाव की तैयारियां दलगत रूप में और चुनाव आयोग के द्वारा भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अंतिम चरण के मतदान के लिए 4 सीटों पर अभी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, इसके बावजूद सभी दलों की ओर से प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। इस स्थिति में भाजपा ने पिछली बार 12 सीटें प्राप्त की थी इस राज्य की 14 सीटों में से, इस बार आप लोग क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोगों ने 14-0 का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां भी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हमारे सारे बूथ कमेटीज़ का गठन हो गया और ये अपने आप में एक बहुत वृहद कार्य था। 30,000 से ज़्यादा बूथ कमेटियों का गठन करना, अध्यक्षों का गठन करना, और हम लोगों ने भागीरथ प्रयास करके इसे तय सीमा में पूरा किया। इसके अतिरिक्त चुनाव की घोषणा से पहले हम लोगों ने अपने गठबंधन को स्टिच किया। आजसू के साथ हमारा गठबंधन चुनाव की घोषणा के पहले हो गया। महागठबंधन के जो जितने घटक दल थे वो आपस में सीटों के लिए लड़ते रहे और अंत में भी उनमें बात नहीं बनी, और हमने तो चुनाव की घोषणा से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और हमने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपना एक सिटिंग सीट अपने अलायंस पार्टनर को दे दिया। और हम आजसू, जदयू, लोजपा, जितने हमारे अलायंस पार्टनर हैं सबके साथ मिलकर चुनाव में जा रहे हैं और 14-0 के स्कोर के साथ इस बार जो विकास की लड़ाई उसे जीतेंगे। भाजपा की जो केंद्रीय कमेटी है, झारखंड कमेटी है, प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे ख्याल से ये 4 मेजर पार्ट्स हैं और ये चारों कांग्रेस के गठबंधन को, या जो उसको उन लोगों ने महागठबंधन का नाम दिया है उसको आप लोग महाठगबंधन कहा करते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी तो गठबंधन है ही, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, हम उन्हें महाठगबंधन ही नहीं, हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का प्रयास किया। पहले इन्होंने दिखाया कि ये सब एक हैं, इनके बीच में कोई दूरियां नहीं है, लेकिन बिना नीति सिद्धांत का कोई गठबंधन बनता है तो उसका क्या हश होता है वो सामने दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, साउथ की सारी पार्टीज हों, सब मिलकर चुनाव लड़ेगी, आप मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के नेतृत्व में। धीरे धीरे इनकी जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी और इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो इन पर हावी होती चली गई और कोई नीति सिद्धांत रहता तो सेक्रीफाइस करते हैं, और इनका गठबंधन जो था वो चूर चूर हो गया। इसीलिए हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं कि इन्होंने ठगने का पूरा प्रयास किया और आज भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो झारखंड में कहाँ गठबंधन रहा? चतरा में राजद का उम्मीदवार चुनाव लड़ा है, और अगर आप देखें तो फुरकान अंसारी की बेटी चुनाव लड़ रही है। फुरकान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो उनका समर्थन करेंगे। दुलाल भुइयां की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। CPI से भुवनेश्वर मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं हजारीबाग से। माले से राजकुमार यादव लड़ रहे हैं चुनाव। और इन लोगों ने क्या कहा था कि कम्युनिस्ट हो या राजद हो या कांग्रेस या GMM, सब एक उम्मीदवार देंगे। तो इनका सारा आपको दिख रहा है कि किस तरीके से, लेकिन राजनीतिक दलों में तो ये चलता है कि शुरू में हुआ कि हम इनके इनके साथ मिलकर करेंगे, अंत अंत तक कुछ लोग कटते हैं, उसमें से कुछ नए लोग जुड़ते भी हैं, ऐसा भाजपा के साथ भी होता रहा है। और विशेषकर गिरिडीह सीट पे लोगों को खास आपत्ति है, या कहिए वो ज़्यादा चर्चा करते हैं कि जहाँ से आपके एक सांसद ने, जब झारखंड में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय भी उन्होंने जीत दर्ज की थी और वो 5 बार जीतते रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वहाँ पर आपने ये आजसू को अपनी वो सीट सौंप दी, तब जबकि पिछली बार आजसू का तो वहाँ बहुत बुरा प्रदर्शन था? देखिए, हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ विचारधारा चुनाव लड़ती है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। और किसी भी हमारे यहाँ नेता को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं के बलबूते पे जीतता है। हमारे यहाँ लाखों समर्पित कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके किसी भी व्यक्ति को सांसद और विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं, और हमारा राष्ट्रवादी दल है और राष्ट्रवादी दल का कार्यकर्ता होना अपने आप में बड़ी बात है और विधायक सांसद तो सेकेंडरी हो जाता है। और जहाँ तक गिरिडीह की बात है तो ये आप देखिए कि किस तरीके से हम अपने गठबंधन के पार्टनर्स को
एकोमोडेट करने के लिए दो कदम पीछे भी जाना पड़ता है तो चले जाते हैं। बड़े हृदय से हम लोगों ने बिहार में अपनी सीटें दे दी, जदयू को, झारखंड में आजसू को दे दी। इसी तरीके से जहां भी रहा, जो दलों ने हमारा मुसीबत के समय साथ निभाया, हमने उनको साथ लेके चलने का भरसक प्रयास किया और ये इसी का परिणाम है। और मैंने फिर से कहा ना, हमारे यहाँ विचारधारा चुनाव लड़ती है। आपके विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल यह भी उठता है और यह बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है कि जब गिरिडीह के आपके सिटिंग सांसद रविंद्र कुमार पांडे का टिकट कटा और वो सीट दे दी गई गठबंधन में, तब कोडरमा के सिटिंग सांसद रविंद्र कुमार राय ने उसकी आलोचना की थी और माना यह जा रहा है कि इसी कारण उनका टिकट काट करके आप लोगों ने एक राजद से प्रत्याशी लाकर सौंप दिया टिकट। नहीं देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर हमारी विचारधारा को कोई मानते हुए व्यक्ति आना चाहता है हमारे दल में और उससे हमारा राजनीतिक दायरा बढ़ता है, उससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, तो हम उसका स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह ओपन हाईवे सिस्टम नहीं है कि जो जब भी चाहे हमारे दल में आ जाए। बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद, बहुत चेकिंग के बाद हम किसी को अपने दल में शामिल कराते हैं। और जहाँ तक रविंद्र राय जी की बात है, तो उस समय उनकी टिप्पणी थी, वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन देखिए, आप आज रविंद्र राय और रविंद्र पांडे जी दोनों हमारी पार्टी के साथ हैं। मानव का ये स्वभाव होता है कि जब ऐसा किसी का टिकट काटेंगे तो कुछ एक बार लोगों को दुख जरूर लगता है, लेकिन हमने कहा ना कि हम विचारधारा से चलने वाले दल हैं और अंततः विचारधारा सर चढ़कर बोलती है। लेकिन इस विचारधारा से जो ये भी 5 बार सांसद रहे हैं रांची के सिटिंग सांसद रामधन चौधरी जी, तो वो तो इस विचारधारा से अलग हो गए। हम आज भी मानते हैं कि रामधन जी जनसंघ के समय से हमसे जुड़े रहे हैं और नाम वापसी के दिन के पहले मान मनोबल उनका चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जो मुहिम है राष्ट्र की, उसमें हम सफल होंगे और राम टहल जी भी इस मुहिम में अपना योगदान देंगे। तो हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि राम टहल जी जैसे सीनियर लीडर को वापस अपने दल के फोल्ड में जोड़े और साथ मिलकर चुनाव लें। ये जो 14 की 14 सीटें हैं, इनको अपने पाले में करने के लिए और राजनीतिक रूप से कौन सी तैयारियां की गई हैं? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले हमने कहा ना कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम लोगों ने बूथ स्तर पे अपने पार्टी को बहुत मजबूत किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक बूथ में हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारी सरकारों ने जो डेवलपमेंट कार्य किया है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका ज्ञान नहीं होगा, चाहे उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी विकास के मॉडल की बात करना बेमानी सी है। तो हम लोगों ने बूथ को सशक्त किया है, अपनी जो योजनाएं हैं इन बूथ अध्यक्षों के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है और अब हम इन्हीं बूथ अध्यक्षों के जरिए जो 31,000 बूथ कमेटियां बनी हुई हैं हमारी, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाकर हम चुनाव में जा रहे हैं। तो क्या इसी बूथ कमेटियों के भरोसे रांची में आपने सुबोधकांत सहाय जैसे बड़े नेता के सामने एक नवागंतुक एक नए आदमी जो जिन्होंने विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा, संजय सेठ जी को खड़ा कर दिया? 40 वर्षों का इतिहास रहा है संजय सेठ जी का पार्टी में समर्पण का। अब 40 वर्ष से जो कार्य करता है, अब उसको अगर आप नवागंतुक कहेंगे, एकदम नया प्लेयर कहेंगे, तो ये मुझे लगता है नया उचित नहीं है। लंबा अनुभव रहा है संजय सेठ जी का और मैंने पहले भी कहा ना कि हमारा विचारधारा से चलने वाला दल है, सबको मौका मिलना चाहिए। संजय सेठ जी यहाँ अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि रामलाल जी अंततः हमारे फोल्ड में वापस आएंगे। मेरे कहने का मतलब नवागंतुक ये नहीं था, ये है कि इनके पास चुनाव पहले के चुनावों में ये शिरकत करते रहे हैं, लोगों के साथ रहते रहे हैं, बेशक इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन खुद चुनाव मैदान में तो नहीं रहे हैं कभी। देखिए, कभी भी कहते हैं ना, किसी सफर की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। तो अगर आप किसी को मौका नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो अगले चुनाव में भी यही बात आती कि इन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा। तो मुझे लगता है बेटर लेट देन नेवर और हमें पूरा उम्मीद है कि एक सशक्त उम्मीदवार। लेकिन पहला ही कदम आपने हिमालय पर रखवा दिया। ये बिल्कुल नहीं, ये संसदीय चुनाव है और हमारे मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे, तो इसी तरीके से शुरुआत होती है राजनीति में और हमारी कार्यकर्ता और विचारधारा चुनाव लड़ती है। कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता समर्पित हैं, वो लड़ेंगे संजय सेठ जी के लिए। संजय सेठ जी तो एक सिंबल है हमारी विचारधारा के। फिर एक दूसरा सवाल अभी एकदम करेंट इशू है कि आप बोलते हैं कि सभी लोग विचारधारा वाले हैं, चतरा में आप देख रहे हैं कि वहाँ आपके एक जिलाध्यक्ष ने तो पार्टी छोड़ के और वो रिवेल के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
वो जिला परिषद के आप राजेंद्र साहू जी की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि राजेंद्र साहू जी भी हमारे पार्टी के पुराने नेता हैं और मूलवासी हैं झारखंड के, और हमने उनसे भी आग्रह किया है कि इस बार बड़ी मुहिम में हम आगे हैं, यज्ञ है एक तरह से, ये एक परीक्षा है देश की, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ भी कोई रेबल कैंडिडेट नहीं रहेगा और वो भी हमारी बात से अंततः स्वीकार कर। अगर राजेंद्र जी वापस ने अपना कदम वापस नहीं लिया तो आपको नुकसान तो पहुँचाएंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात नहीं करते, चतरा में नॉमिनेशन वापसी का अंतिम समय खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन रहता है कि औपचारिक रूप से घोषणा करें कि हम उम्मीदवारी अब अपनी वापस लेते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो वापस लेंगे। और पहले चरण की जो 3 सीटें थी उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत नज़दीक से देखा है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो 5 वर्षों में कार्य किया है, उन दोनों मुद्दों पे जनता अपना वोट देगी। क्या आप ये मानते हैं कि वास्तव में जिस ढंग से चुनाव अब मुड़ता चला जा रहा है देश में, वो वहाँ पर विकास का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है, भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं दोनों पक्षों से? एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों को आरोपित कर दिया जाए और विकास पीछे छूट जाए। देखिए, हमने कभी इस तरह की बातों पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। हमने शुरू से कहा था कि सैन्य मुद्दों का हम राजनीतिकरण नहीं करेंगे और किसी और मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करेंगे, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और विकास के मुद्दे पर हम गए भी थे जनता के बीच में। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वायुसेना पर प्रश्न किया, सेना पर प्रश्न किया, प्रूफ मांगा, धिक्कारा, वहाँ इनके सहयोगी दल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिसको दूर वक्त का खाना नहीं मिलता वो सेना में जाता है, अब ऐसी अगर बातें कोई करेंगे तो हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे ही। और अगर वो राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें राष्ट्रवाद पे, मेरे हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद ही हमारे दल का। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर ये राष्ट्रवाद पे अजमाना चाहते हैं तो अजमा। इसका मतलब कि उनके उकसावे में आप आ गए, अपनी पार्टी आ गई? नहीं, बिल्कुल उकसाने की बात नहीं है। हमने कहा हम डिफेंड करेंगे, सैन्य बलों का अंतिम सांस तक डिफेंड करेंगे। जो लोग अब सियाचिन की -50 -60 डिग्री टेम्परेचर में और राजस्थान के 55 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरीके से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, अगर आप उनको कहें कि दो वक्त का खाना नहीं मिलता इसलिए वो सेना में चले गए, या उनसे कार्रवाई का सबूत मांगे। देखिए, पहले क्या इंडिया की एक छवि थी एक बहुत सॉफ्ट स्टेट की कि आप घुसकर मारकर चले जाए, आतंकी हमला हो जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पुलवामा के बाद हम लोगों ने रिएक्शन दिखाया, तो अब हमारी तुलना भी उन कंट्रीज से हो रही है जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सीमा के पार से अभी भी तो कुछ न कुछ आतंकी आते हैं और कोई न कोई कार्रवाई कर ले रहे हैं, इससे तो उन पर ऐसा लगता है कि बहुत असर नहीं पड़ा। देखिए, कश्मीर के अगर मुद्दे पर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो लगता है पूरा एक अलग से पैनल डिस्कशन इसके लिए करना पड़ेगा। ये किसकी देन है, किसके कारण कश्मीर की समस्या इतनी विभत्स हुई, ये सब तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने कश्मीर की समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की, हमारे सैन्य बल वहाँ विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अफसोस, देखिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो सैन्य बलों की संख्या घटाएंगे कश्मीर से, और आर्म फोर्सेस को जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है उसको वो विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीके का ये सॉफ्ट आतंकवाद, ये देश को स्वीकार्य नहीं है। एक अंतिम सवाल यह है, यह झारखंड से संबंधित है कि झारखंड में भाजपा ज़्यादातर समय तक शासन करती रही है, सत्ता में रही है शुरू से, जब झारखंड बना 15 नवंबर 2002 को, उसके बाद से अब तक तो उसके खाते में ज़्यादा समय गया है। और पिछले 5 वर्षों से तो ठीक है, आज शुरू भी सही साढ़े चार अब 5 हो ही चला है, तो ये फुल फ्लेजेड भाजपा की सरकार रही है, लेकिन गरीबी यहाँ अभी भी एक अहम मुद्दा है। देखिए, ये हम मानते हैं कि ये 14 वर्षों में जितना अपेक्षाकृत विकास होना था वो नहीं हुआ, और जब भी हमारी सरकारें थी जो सहयोगी दलों के भरोसे चलती थी या इंडिपेंडेंस के भरोसे चलती थी, जब भी वो विकास का गियर बदलती थी, टॉप गियर में जाने की कोशिश करती थी, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक हुआ करता था कि सरकारें गिर जाती थी और फिर नई सरकार आती थी, वो अपना नया एजेंडा तय करती थी। तो 14 वर्ष झारखंड ने बहुत राजनीतिक उथल पुथल देखा, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खास करके आदिवासी मूलवासियों को टारगेट करके जिस तरीके का विकास का कार्य हुआ है, उसका अब रिजल्ट भी दिख रहा है, अब गांवों में भी रिजल्ट दिख रहा है, अब सुखद अनुभव हो रहे हैं, और मुझे लगता है अगले 6 महीने में और जब ये सारी योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी तो और बेहतर रिजल्ट। चलिए, उनमें कितना संतोष है आपके पार्टी के शासन से, सत्ता से, यह चुनाव परिणाम हम देख के फिर एक बार बात करेंगे। जी, धन्यवाद। नमस्कार प्रतुल जी, आपसे यह मुलाकात बहुत अच्छी रही,
आपने अच्छे जवाब दिए, आपका धन्यवाद।